वेलकम बैक किड्स। इन लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट फूड्स वी ईट, यानी हम किस किस तरह का खाना खाते हैं, कहाँ क्या खाना मिलता है, और हम प्लांट से कौन सा खाना खाते हैं, हमें प्लांट से कौन सा खाना मिलता है, प्लांट्स के किस किस पार्ट को हम कैसे खाते हैं, और एनिमल से हमें कौन कौन से खाने मिलते हैं, इसका हमने देखा था। एंड द अदर प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड। लेट्स लर्न द नेक्स्ट टॉपिक्स। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिक्स्थ चैप्टर। हियर इज विफल्स फैमिली। इन विफल्स फैमिली देर आर सम मेम्बर्स हु डू नॉट ईट वॉट विफल ईट, यानी विफल जो खाते हैं वो उनके फैमिली के कोई मेम्बर्स नहीं खाते हैं। आप क्या समझते हो कि क्या विफल जो खाता है तो कोई और नहीं खा सकता या खाना नहीं पसंद करता है? Let's see what Wiffles eat. Let's read about the Wiffles family. While returning from the school, Wiffle brought a butta, corn cob. He was returning from the school and he found the corn in the street. So he took the corn and came to the home. He reached home and asked his mother, where is Chutki? Chutki was his sister. I want to see her. He wanted to see his sister Chutki. His mother replied, Chutki is in the in the room upstairs. Chutki was in the upstairs room. ऊपर छत के ऊपर जो कमरा है वहाँ पर है। Wiffle caught his grandmother hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. I have soaked. सोख यानी भिगो के रखे हैं। बाज चपाती इन दाल। दाल के अंदर चपाती को भिगो के रखे हैं। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। ग्रैंड माँ के लिए उनके दांत नहीं होंगे शायद, इसीलिए चपाती को दाल में भिगो के रखें जिससे कि उनको खाने में आसानी हो। हर तरीके का खाना हर एक लोग नहीं खा सकते हैं। जो बेबीज़ खाते हैं इट शुड बी द स्मूथ एंड सॉफ्ट मील। हम जो खाते हैं हम किसी भी तरह का मील खा सकते हैं क्योंकि हमारे सारे दांत है। गन्ना खा सकते हैं, भुट्टा खा सकते हैं, एनीथिंग। बट जो ओल्ड एज पीपल है वो सारा नहीं खा सकते, जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं खा सकते। छोटे बच्चों को हमेशा लिक्विड फूड और थोड़ा जैसे कि बोलूँ लिक्विड के साथ साथ थोड़ा दरदरा रहेगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पिसा हुआ भी चल जाएगा उनके लिए। लेकिन दानेदार खाना वो नहीं चबा सकते क्योंकि उनके दांत नहीं होते। ऐसे ही दादी के लिए उन्होंने दाल में चपाती को भिगो के रखा था। जब विफुल उन्हें हाथ पकड़कर बोल रहा था कि चलिए चिटकी के पास चलते हैं ऊपर, तो उनके मामा ने उनको बोला कि रुक जाओ, दादी को पहले उनका खाना खाने दीजिए। जैसे कि उन्होंने दाल में चपाती को भिगो के रखा था। सोक यानी भिगो के रखना। स्प्राउट्स को भी हम भिगो के रखते हैं बच्चे। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विफुल्स मदर। दादी सेड टू विफुल्स मदर, हैव यू एडेड शुगर इन दाल? शी हैज़ नॉट एडेड। After coming to Nagpur, you have forgotten our own way to prepare the food. Somewhere, if I speak about Andhra food, Andhra mein dal mein compulsory gur dalta hai, jagri dalti hai. So, har jagah ka apna hi traditional food hota hai. Unka hi ek taste hota hai, ek texture hota hai. To, dadi yahan pe yahi bol rahi hai ki hum Nagpur jab se aaye hain, tumne apne hamare tarike ki dal banana chhod di hai. Wiffle ko mother ko batati hai, unki mother-in-law. I have tasted dal. It has been prepared well, replied Wiffle's mother. Wiffle's mother has replied that, I have tasted the dal. Dal has been prepared really well. It is prepared in a good condition and it is eatable and tastes also good. The reply of Wiffle's mother was like this. Wiffle picked up his grandmother's plate and ran upstairs and asked to her to follow him quickly. विफुल ने थटाक से जो दादी की प्लेट थी जो खा रहे थे उसको उठाया एंड अपस्टेयर्स की तरफ भागने लग गए और बोला दादी को, दादी जल्दी जल्दी मेरे साथ आ जाओ,
मेरे पीछे आ जाओ। नाउ दादी कैन नॉट रन लाइक विफुल, विफुल इज अ यंग बॉय बट दादी इज अ ओल्ड, शी कैन नॉट रन लाइक विफुल। व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन सम टाइम, सेड दादी। दादी सेड व्हेन आई वॉज इन योर एज, आपकी एज के बराबर जब मैं थी, आई कुड हैव क्लाइम्ब अ हिल, मैं पहाड़ भी चढ़ जाती है, लेकिन अभी नहीं। विफुल गेव द बुट्टा He was eating to his then Viful gave his butta yani corn to his mummy which he was eating and washed his hand and lifted his little sister Chutki. Suddenly Chutki started crying and mother said she is hungry. Mummy said she is hungry. She sat down to feed Chutki. Chutki ko feed karne ke liye unhone वे नीचे बैठ गई। सो व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन, हियर वी मेट फोर पीपल, विफुल, विफुल्स मदर, विफुल्स दादी एंड विफुल सिस्टर चुटकी। विफुल जो खाता है, उनकी दादी जो खाते हैं, उनकी बहन जो खाते हैं, तीनों अलग अलग है। हैव यू नोटिस्ड, विफुल कैन ईट एनीथिंग हार्डर, इधर हार्डर और सॉफ्टर। But Viful's dadi cannot eat that because she might have lost her teeth due to the age fact. उनके दांत झड़ गए होंगे उम्र के हिसाब से, इसीलिए उनको दाल में रोटी सोख करके खाना पड़ा। And Viful's sister, शायद उनके मम्मी उनको मिल्क फीड करते थे, दैट मीन्स शी इज टू एंगर, बहुत छोटी सी है। इन तीनों का खाना अलग अलग है, तो इस हिसाब से देखते हैं। Why was dadi not able to climb the stairs quickly? What do you think? Why was Dadi not able to climb the stairs quickly? Because she became old. And जैसे हमारी उम्र होती है, weakness हमारी body में बढ़ जाता है. We cannot run like when we were young. As when we were young. How does Dadi like to have her dal? Dadi would like to have her dal with sugar, with adding little sugar in it. How many persons in the story can be? Can eat butta easily and why? As you can see here, Viful was eating the butta and he gave his butta to his mummy. Viful and Viful's mother can eat. Why? Because they had the strong teeth to eat the butta. Can all old people eat butta? No. Why? Because due to age fact, they might have lost their teeth. For 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That's her only food. Why? That is her only food. यानी वो ही एक food है, कोई और चीज़ नहीं। जब तक baby 4 महीने का होता है, पैदाइश से 4 महीने तक, when the baby took birth, from the day till the 4th month completes, baby cannot have any other thing living his or her mother's ओन मिल्क। मम्मी के दूध के अलावा कोई और चीज़ नहीं पी सकते क्योंकि उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। मदर्स मिल्क इज़ अ वेरी गुड फूड फॉर द यंगर किड्स, तो उनको वही खाना होता है एंड इट इज़ इन लिक्विड। सो नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप दिस विफुल्स फैमिली, अबाउट द विफुल्स फैमिली यू अंडरस्टूड रियली वेल। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस इज योर होमवर्क टू रिमेंबर। आस्क योर elders and fill the table what they can eat what they cannot eat. Child, bacha kya kha sakta hai? Milk, ganji type wale jo bhi ho wo cheeze kha sakta hai, liquid food, milk and liquid food. What they cannot eat, normally anything like, ya phir we can give even rice ko bahut नरम सॉफ्ट बना के हम लोग उनको बच्चों को खिला सकते हैं। मिल्क एंड राइस वी कैन गिव बट नॉट अदर थिंग विच वी कैन नॉट गिव इज रोटी, बुट्ठा और एनी अदर हार्डर थिंग विच यू कैन राइट हियर। फ्राइड राइस, एनीथिंग यू कैन राइट। डोसा, वी कैन नॉट गिव डोसा फॉर द स्मॉलर किड्स बिकॉज दे आर टू यंग एंड दे वॉन्ट द सॉफ्टर फूड। वी कैन गिव इवन सेरेलैक, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फूड ग्रेन्स। वॉट यंग पीपल कैन ईट, they can eat anything. Which they cannot eat is usually not like mother's milk, they cannot take mother's milk, and some other thing which they may not like you have to write here.
what old people can eat. They can eat softer food, rice, dal, and any other softer food. What they cannot eat, the harder thing like sugarcane, butta, roti. Even they cannot eat the roti because they lost the teeth. Hard hoti hai roti unke liye. So this was about things we can or we cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. Let's talk about those things that we eat, that we do eat. We need to put the circle on the things which we eat. Let me show you the image of these things. You already know what is rice. Rice ke alawa, this is maize. Bhuttai ko kehte hain. This is ragi. Can you see? This is ragi. I'll send you these images. This is oats. I think you have seen the oats at your home. This is bajra. Millet. Isme bhi do tarah ke hote hain bachcho. This is barley. And it is very healthy. And this is kappa, yani tapioca. Iska starch nikalte hain. Starch nikal ke banaya jata hai bachcho. These are the things which is new for you. Maize, ragi, oats, millet, barley, kappa or tapioca. These are the things. Rice और wheat तो आपको पता ही है, बाकी मैंने आपको images बता दी है. इसमें आप लोग क्या ज़्यादा खाते हो? I eat rice, maize, barley occasionally, बहुत कम खाते हैं हमारे घर में. बार्ली बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए एंड गर्मी कम करता है अपने बदन की. रागी, ओट्स, इतनी चीज़ें हम लोग खाते हैं, बाकी हम ज़्यादातर इन चीज़ों को नहीं खाते हैं. मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ दिस थिंग. डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट द डिफरेंट प्लेसेस. हम लोग ज़्यादातर वही चीज़ें खाते हैं जो हमारे रहने की जगह पर आसपास में उगती है, ग्रो होती है इजीली. जैसे कि कर्नाटक में ज्वार बहुत इजीली मिल जाती है, पंजाब में जाइए गेहूं बहुत जल्दी मिल जाती है. ऐसे ही हर अलग अलग जगह का अलग अलग मतलब ग्रेन्स होते हैं, उस तरह से हमारा फूड डिपेंड करता है. अगर आंध्रा में जाओगे तो राइस ज़्यादा होगा, वो लोग अन्ना सांभर ही ज़्यादा खाते हैं. दे आर मेंट फॉर, उनके पास कभी भी जाओ अन्ना सांभर आपको इजीली मिल जाएगा, यानी राइस और सांभर. अगर आप केरला में जा रहे हो तो उनका फूड ही अलग होगा, उनका सारा फूड कोकोनट पर डिपेंड होता है. मतलब हर चीज़ में कोकोनट का टेक्स्चर ज़रूर डालता है, कुछ ना कुछ डालता है. और सी फूड भी वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिलती है. गोवा में और केरला की बात करूँगी तो यू मे गेट मोर सी फूड. हर अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना मिलता है. पीपल ऑफ पीपल इन इंडिया, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड ईट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. देयर डाइट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे ग्रो ईजीली, एज आई सेड यू, अराउंड देयर प्लेसेस. एंड द क्लाइमेट इज ऑल्सो. Availability of performance determine the food habits of the people. वो क्या खाते हैं वहाँ का climate और वहाँ पर क्या easily grow होता है ये depend करता है. जैसे कि people who stay in coastal area eats lot of seafood like fish, prawns and many other things which is available there. जैसे कि समंदर के किनारे रहने वाले जगह पर easily, हमारे कर्नाटक में मंगलूर बहुत नज़दीकी है समंदर के लिए, वहाँ पे आपको सी फूड जल्दी से मिल जाएगा. वो कोस्टल एरिया होता है और केरला कोस्टल एरिया है, गोवा कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर सी फूड ज़्यादा मिलता है. सी फूड यानी जो मच्छी मतलब पानी से हमें मिलते हैं, जैसे कि मच्छी, प्राउन्स वगैरह. उसके अलावा साउथ इंडियन पीपल, यानी यहाँ पर साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के लोग इडली, डोसा, राइस, सांभर ये ज़्यादा खाते हैं. बिकॉज राइस
एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था आंध्रा और तमिलनाडु में राइस ज़्यादा उगती है, और राइस से हम लोग राइस के साथ दाल ऐड करके इडली डोसा का बैटर बनाते हैं, डायरेक्ट राइस एंड सांबर। तो यहाँ पे राइस इज़ अ मेन सोर्स। तो साउथ इंडिया के पीपल दे प्रिफर टू ईट इडली डोसा एंड सांबर, राइस एंड सांबर। पीपल ऑफ पंजाब लाइक ईट मक्की की रोटी, सरसों का साग। ऐसे ही हर अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। आई होप दिस लेसन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड यू अंडरस्टूड इट। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।